नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं CTET एग्ज़ाम, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2019, जिसकी परीक्षा 7 जुलाई को होनी है। आज 5 मार्च 2019 को उसके फॉर्म भरे जाने की आखिरी तारीख थी, जिसको कि बढ़ा के 12 मार्च कर दिया गया है। तो ये वीडियो है बेसिकली इसी संबंध में, तो इस वीडियो को आप जल्दी से देखिए, और ये मैक्सिमम 2 मिनट का वीडियो है, तो आप इसको पूरा आखिर तक देख सकते हैं। देख लेते हैं ये सूचना। अभी अगर आप देखेंगे तो PDF फॉर्मेट में तो नहीं है, लेकिन अगर हम देखें इसको तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी भी पुरानी नोटिस ही आ रही है और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करके CTET की जो ऑफिशियल वेबसाइट है CTET.NIC.IN उसमें आते हो, तो यहाँ पर आप देखिए रेड कलर में साफ साफ लिखा हुआ है कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज 12/3/2019 अप टू 5 PM एंड फी पेमेंट की जो लास्ट डेट होगी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 15 मार्च 2019 अप टू 3:30 PM। ये करने के पीछे आप सबको पता है कि आज और कल लगभग 2-3 दिनों से ही CTET की वेबसाइट जो है वो कायदे से चल नहीं रही थी, और उसका कारण यही था कि आखिर समय में ज़्यादातर बच्चे फॉर्म भरते हैं, जबकि 1 महीने से ये वेबसाइट चालू थी, और उस आखिर के 2-3 दिनों में ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से सर्वर कायदे से काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। तो उसी असुविधा को देखते हुए CBSE की तरफ से ये एक कदम उठाया गया है, जो कि निश्चित रूप से सराहनीय कदम है। और अब इसको आप लोग ध्यान दे लें, और जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है अभी तक, वो इसका फिर से 12 मार्च का या 11 मार्च का इंतज़ार न करें, आज ही उसको भर लें और आज ही अपने फॉर्म को भर के और इसको कन्फर्मेशन पेज वगैरह अपना प्रिंट लेके रख लें, किसी भी तरीके की कोई भी असुविधा उनको न होने पाए दोबारा, इसकी पूरी जानकारी रखें। एक और चीज़ यहाँ पे आपको दिख रही है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर CTET जुलाई 2019 सर्वर 1 और सर्वर 2, दो सर्वर यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो आप अगर एक सर्वर से आपका फॉर्म नहीं भरा जा पा रहा है, तो आप जो है दूसरे सर्वर को भी ट्राई कर सकते हैं, और दोनों में से कोई ना कोई सर्वर आपका वर्क करेगा, उसके ऊपर आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। तो मेनली जो आपको बताना था वो यही है कि अब आपकी जो तारीख है फॉर्म भरने की, वो 12 मार्च 2019 5 बजे शाम तक हो गई है। फीस जमा करने की ऑनलाइन जो तारीख है वो 15 मार्च 2019 3:30 सायं, यानी कि इवनिंग में 3:30 बजे तक हो गई है। तो इस सूचना को आप लोग ध्यान दें, और अगर आप जो है अभी भी फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो आप ज़रूर तुरंत से तुरंत फॉर्म भरें, जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें और इसकी तैयारी में लग जाएं। ये चीज़ आप देखेंगे तो यहाँ पे न्यूज़ अपडेट में भी इन्होंने अपडेट कर दी है, पूरा का पूरा वही चीज़ आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फीस की डिटेल और फॉर्म भरने की। तो ये वीडियो इसी संबंध में था, छोटा सा वीडियो था ये आपको एक जानकारी पहुंचाने के लिए आप तक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर डिस्कशंस। हम एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं, काफ़ी सारे हमने वीडियोस डाले हुए हैं इसी चैनल पे, और उसकी प्लेलिस्ट भी क्रिएट हो जाएगी 1-2 दिन में थोड़े और वीडियोस पढ़ने के बाद। तो CTET से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स हैं, टॉपिक वाइज हम जो है सबकी डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ वीडियोस लेके आ रहे हैं, तो उसको आप देखते रहें, उससे भी आपकी तैयारी में काफ़ी मदद मिलने वाली है। और बाद में बीच बीच में कुछ टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम आपको अलग अलग तरीक़ों से सामने लेके आएंगे। तो आप जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, CGSE क्लासेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।